सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विषय की पुस्तक हमारा राजस्थान का पाठ 1 वन वन्य जीव एवं संरक्षण का पहला प्रकरण वनों का महत्व व वर्गीकरण इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। पाठ 1 वन वन्य जीव एवं संरक्षण। कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर उस नए विद्यार्थी से उसका नाम पूछा तथा सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण भी पूछा। तो विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है और मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत हैं। उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। वे केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। तो देखो कि केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हमारे राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है और ये राजस्थान का एकमात्र पक्षी उद्यान है और भारत के सबसे बड़े पक्षी उद्यानों में से गिना जाता है। तो शिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन यानी के सारस वो आते हैं और बगुला, बया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी भी पाए जाते हैं। वन्य जीवों और पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखो जो वन हैं इनके और भी महत्व हैं। क्या क्या महत्व हैं कि वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय भी प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ जलवायु को नम भी बनाते हैं और ये आजीविका के साधन भी होते हैं। तो वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, देखो इमारती लकड़ी उसे कहते हैं जिससे फर्नीचर बनता है, जैसे बेड, मेज, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियाँ इस तरह से। तो वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदूपत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो देखो अगर हमारे घर में या हमारे आसपास कोई भी छोटे छोटे पेड़ पौधे हों तो उन्हें समय समय पर पानी देना चाहिए। तो वनों के महत्व के बाद हम पढ़ेंगे वनों के प्रकार। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है, यानी कि राजस्थान में 10% वन पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत? 10%। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में और सबसे कम वन क्षेत्र है वो चूरू जिले में पाए जाते हैं। तो इसी आधार पर हम वनों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आरक्षित वन, दूसरा सुरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। देखो आरक्षित और सुरक्षित में इतना ही है कि आरक्षित यानी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सुरक्षित का मतलब है कि वो वहाँ पर थोड़ी बहुत अनुमति दी जा सकती है। तो आरक्षित वन में देखिए कि यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। इन वनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है, पूर्णतः प्रतिबंध होता है और ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक होते हैं, यानी जितना भी वन है उसके 33%, तीसरा हिस्सा हो गया ना, तो 33% से ये अधिक हैं। सुरक्षित वन ये भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं पर कुछ नियमों के साथ इन क्षेत्रों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने की अनुमति दी जा सकती है और इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं। इसके बाद तीसरा है अवर्गीकृत। तो देखो अवर्गीकृत मतलब एकदम खुले वन है, इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। इस श्रेणी के वन में पशु चराने और लकड़ी काटने पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होती है, सरकार द्वारा कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। देखो हमें पता है कि राजस्थान है विविधताओं वाला राज्य है, जैसे यहाँ मरुस्थल है,
तो मरुस्थली इलाके में अलग प्रकार के वन होंगे, यहाँ पहाड़ियाँ भी हैं, पर्वत भी है, तो पर्वतीय इलाकों में अलग प्रकार के वन होंगे, मैदानी इलाके हैं वहाँ अलग प्रकार के वन होंगे। तो इस तरह से भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो देखो इसके भी हमने तीन प्रकार किए। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है। तो देखिए सबसे पहले हम राजस्थान का मानचित्र देख लेते हैं कि ये देखो ये अरावली पर्वतमाला है, ये बीच में ये वाली है ना, तो ये राजस्थान को दो भागों में बांट देती है, एक पूर्वी राजस्थान ये और ये पश्चिमी राजस्थान। तो ये वाला जो इलाका है पश्चिमी राजस्थान का, ये शुष्क प्रदेश होता है, यहाँ पर मरुस्थल है, रेती रेत है, तापमान अधिक होता है और वर्षा कम होता है कम होती है। तो इसके बाद देखो जो ये अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है। तो धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा और मिट्टी की विभिन्नता ये वनस्पति को प्रभावित करती हैं, और इसी के आधार पर अलग अलग प्रकार के वनस्पतियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार के वन होते हैं। तो राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से तीन प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। तो देखो उष्ण का मतलब है गर्म और कटिबंध मतलब स्थान, ऐसा गर्म इलाका, और कंटीले यानी कांटेदार वन, ऐसे पेड़ जिनके ऊपर ऐसी झाड़ियाँ, ऐसे पेड़ पौधे जिन पर कांटे पाए जाते हैं। कांटे क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो वृक्षों की पत्तियाँ हैं वो पानी की कमी के कारण छोटी होती हैं, और जब पत्तियाँ छोटी हैं तो उसका वाष्पीकरण भी क्या है, कम होगा, और पानी की कमी की वजह से ये पत्तियाँ कांटों के रूप में बदल जाती हैं। तो देखो ये वन राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में पाए जाते हैं। तो देखो ये राजस्थान के किन किन जिलों में पाए जाते हैं इसे हम मानचित्र के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो कि कौन कौन से ज़िले में है, ये बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, झुंझुनू और सीकर, इन ज़िलों में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। इसके बाद है कि इन वनों में वृक्ष कौन कौन से होते हैं। मुख्य रूप से यहाँ वृक्ष है रोहिड़ा, खेजड़ी, धोंकड़ा, बेर, बबुल, केर और नीम आदि हैं। तो देखो खेजड़ी का जो फल है सांगरी, वो मुख्यतः यहाँ का भोजन है। बेर हम खाते हैं जिसे बोर कहते हैं, और केर जिसे क्षेत्रीय भाषा में केरिया कहते हैं, उसका अचार भी बड़ा ही स्वादिष्ट बनता है। तो इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। ये देखो यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहा है हमारे राज्य वृक्ष खेजड़ी की। खेजड़ी का जो वृक्ष है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष है। देखो ये क्यों है, इसका क्या कारण है कि ये एक ऐसा पेड़ है जो साल में एक बार पानी मिलने पर भी हरा भरा रहता है, यानी कि जब मानसून आता है एक बार बारिश का पानी मिला उसके बाद ये 6-7 महीने तक आराम से हरा भरा रहता है। मई जून की तेज़ जब गर्मी पड़ती है उस समय भी ये एकदम हरा भरा रहता है। अब इसके बाद है कि इसकी विशेषताएं। इन कंटीले वनों की जो विशेषता है उष्णकटिबंधीय की, कि यहाँ तापमान अधिक और वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियाँ छोटी होने के कारण वाष्पीकरण भी कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं और जिनसे ये ज़मीन के काफ़ी नीचे चली जाती हैं और नीचे जाकर वहाँ से पानी प्राप्त कर सकती हैं। खेजड़ी बहु उपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और ये राज्य वृक्ष भी है। देखो इसे कल्प वृक्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि जो खेजड़ी का वृक्ष है इसका लूंग होता है वो पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, और इसका फल है जो सांगरी वो ताज़ा और सूखने दोनों के बाद यूज़ किया जाता है। तो सूखी सांगरी से और हरी सांगरी से दोनों से ही सब्जी बनाई जाती है। ये बहुत ही महंगी बिकती है, लगभग 1000 रुपये किलो इसका दाम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रोहिड़ा की। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये इसका चित्र है लाल और संतरी सा ऐसा। इसकी लकड़ी है वो बहुत ही महंगी होती है और ये इमारती लकड़ी है।
ऐसे ही खेजड़ी की लकड़ी भी इमारती लकड़ी होती है। इसके बाद देखिए कि सेवन घास, ये एक पौष्टिक घास होती है जो जैसलमेर में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे ऐसे ही वनों के दूसरे प्रकार की, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। देखो शुष्क का मतलब है कि यहाँ बहुत कम बारिश होती है, और पतझड़ यानी एक मौसम में इनके पत्ते झड़ जाते हैं, इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। और ये वन कहाँ पाए जाते हैं तो इसे भी हम मानचित्र के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो कि ये पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि नीचे से देखते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, इसके अलावा चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, ये यहाँ पर भरत जयपुर संभाग में है, इधर अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। तो यानी कि कहने का मतलब है पूरा उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग और थोड़ा सा ये इधर भरतपुर संभाग, यानी पूर्वी राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसके बाद है कि इन वनों में पेड़ कौन कौन से होते हैं, वृक्ष कौन कौन से हैं। तो इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ जिसे शराब बनाई जाती है, गुल्लर, धोंक, ढाक जिसे कि प्लास कहते हैं, और इन प्लास के वृक्षों को जंगल की आग भी कहा जाता है, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम जिसे स्थानीय भाषा में टाली भी कहते हैं, यदि वृक्ष हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। और इन वनों की अधिकांश लकड़ियाँ मजबूत होती हैं और इन वनों के पेड़ ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वनों के तीसरे प्रकार की, अर्धशुष्क कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार इसलिए कि इनके पत्ते हैं वो हमेशा हमें हरे भरे दिखाई देते हैं। इनके पत्ते गिरते तो हैं लेकिन एक साथ नहीं गिरते, इस वजह से ये हमें हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। तो देखो ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं, और इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद देखो आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है सदाबहार वन, इसका चित्र है कि कैसे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ये हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इन वनों की वनस्पतियों को और इन वनों में रहने वाले जीवों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो देखो इसके लिए सरकार राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और कुछ स्थानों को संरक्षित रखती है। कैसे, इसी के बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान, तो देखो बच्चों कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे केंद्र सरकार है वो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देती है, केंद्र सरकार ही उसका संरक्षण का कार्य करती है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। और राजस्थान में ऐसे 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से हैं तो देखो बच्चों, पहला है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जिसके बारे में हमने अभी पाठ की शुरुआत में पढ़ा था कि केवला देव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर ज़िले में है, जहाँ उसके ईशान के पिताजी कार्यरत थे, वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हुआ था। तो केवला देव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ है, भरतपुर ज़िले में स्थित है। यहाँ साइबेरियन क्रेन यानी साइबेरिया से आते हैं, रूस के उत्तरी भाग से, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ है, सवाई माधोपुर ज़िले में, और यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय जिसे स्थानीय भाषा में रोज या रोजड़ा भी कहते हैं, और मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है
मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, यह कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। यहाँ पर बाघ, रीछ, जरक यानी एक तरह का सूअर जैसा दिखाई देता है, गीदड़, भेड़िया, सांभर, चीतल ये हिरनी होते हैं, नीलगाय अभी हमने पढ़ा जिसे रोज कहते हैं, चिंकारा, सियार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। तो इस तरह से देखो कि हमने देखा कि कैसे वनों का वर्गीकरण किया हमने राजस्थान के मानचित्र के द्वारा समझा, फिर हमने तीन राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम देखेंगे कि वन्य जीव और वन्य जीव अभयारण्य इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।